नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल योगा मास्टर हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो यहाँ हम नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करते हैं। तो ये योगाहार के ऊपर प्रश्नोत्तरी लेते हैं, योगाहार को समझाने की बातें करते हैं। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये योगाहार मतलब आपको खाने पीने में ध्यान रखना है, शरीर की सफाई में ध्यान रखना है। सफाई आंतों की, खून की करनी है। उसके लिए आपको एनिमा लेना है, एक टाइम फास्टिंग करना है। जो लोग मजदूरी करते हैं उन लोगों को तो इतनी जरूरत है नहीं सफाई की, क्योंकि वो मजदूरी करके पसीना निकाल देते हैं, खाते हैं इतना कंज्यूम कर लेते हैं। शरीर को सही खुराक देना है। मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोगों को सही खुराक नहीं मिल रहा है। ताकत वाला खा रहे, अनाज खा रहे, लेकिन पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहे वो नहीं खा रहे वो लोग। तो ये समस्या है, वो इसको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आहार का इंजीनियरिंग ये पूरा चित्र के रूप में मैंने बताया है। आप देख रहे हो कि जो लोग धीमे धीमे चबा चबा के खाते हैं वो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि चबा के खाते हैं डाइजेस्टिंग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है जिन लोगों को, वो बीमारी के शिकार बनते हैं। तो चबा के खाने की आदत रखिए। आप वजन में भारी खुराक, मजदूरी नहीं करते हैं तो कम खाइए। भारी खुराक ज्यादा खाओगे और मजदूरी नहीं करोगे तो भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। और जो वजन वाला भारी खुराक है वो शक्ति के लिए है, और शक्ति आपको खर्च करनी पड़ेगी मेहनत करके, और नहीं करोगे तो वो शरीर में पड़ी रहेगी, सड़ेगी, आपको नुकसान करेगी। ठीक है, तो आंतों की सफाई के लिए आप एनिमा का इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट नल वाला एनिमा भी आता है और पंप भी आता है, तो आप कोई एक का इस्तेमाल कीजिए। आपकी खून की सफाई के लिए आप हर रोज ज्यादा मजदूरी करो, या तो योगा एक्सरसाइज करो, या नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम छोड़ दो खाना, दो ही टाइम खाइए। ठीक है, और खट्टे फल से भी आप अपने खून की सफाई कर सकते हो। शरीर को सही खुराक चाहिए, अल्कलाइन चाहिए। हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं, एसिडिक करके खाते हैं, तो पकाया एक ही टाइम खाना है, कच्चा ज्यादा खाना है, शक्ति वाला जरूरत के हिसाब से खाना है। पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो पत्ती हर रोज हमारे खाने में होनी चाहिए। 1 से 2 ग्लास हरी पत्ती का रस पीना है, बीमार हो या ना हो। और शरीर में जो पत्ती जाती है वो क्लोरोफिल, जो हरा रंग है, वही हमारा खून नया बनाता है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन, वो हमारे शरीर के कारीगर है। ठीक है, और स्वाद के असर भी आप देखो। मीठी चीज खाओगे तो ताकत देगी, खट्टी खाओगे तो सफाई करेगी, तीखी खाओगे तो मुंह में पानी लाएगी, और कड़वी खाओगे तो वायरस को मारेगी। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आगे प्रश्नोत्तरी में देखते हैं। एक प्रश्न है, माई नेम इज नेहल पटेल, माई एज इज 38, माई वेट इज 40 kg, माई सन इज 8 ईयर्स एंड हिज वेट इज 15 kg। सोनल बहन, भाई है बहन है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नाम स्नेहल है। स्नेहल बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो इनकी उम्र है 38, वजन है 40 किलो। उनका लड़का है उसका 8 साल का, और उसका वजन है 15 किलो। ये लिख रहे हैं, वी टेक रेगुलरली ग्रीन जूस बट अवर वेट गो डिक्रीज। हम रेगुलर ग्रीन जूस ले रहे हैं लेकिन हमारा वजन कम हो रहा है, सो प्लीज सजेस्ट अस टू इंक्रीज अवर वेट। तो रॉ फूड खाने में वजन कम ज्यादा हो जाता है। जो लोग एनडीएस करते हैं उनको यही बड़ी समस्या है वजन की।
वजन कम नहीं करना है। इसीलिए मैंने अभी अभी चार्ट में आपको बताया कि भी जो खुराक ताकत देता है वो वजन बढ़ाने का भी काम करता है। वजन बढ़ाने के लिए ताकत वाला खुराक भी चाहिए, प्रोटीन युक्त खुराक भी चाहिए। जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, बावड़े बनाते हैं, वो लोग जिम कर करके प्रोटीन डाइट कर करके बॉडी बिल्ड करते हैं। तो आपके शरीर के पास काम भी करवाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और साथ में प्रोटीन डाइट भी लेना पड़ेगा। तो कच्चे में हरी पत्ती तो खानी है, लेकिन साथ में प्रोटीन डाइट भी बढ़ाइए, कसरत करिए, एक्सरसाइज करिए। वजन आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो सुबह का फास्टिंग मत करो। सुबह का फास्टिंग तभी करना है जब आपके शरीर में कोई बीमारी आए, नहीं तो वजन बढ़ाना है जिन लोगों को, वो फास्टिंग न करे, वो सुबह में भी थोड़ा काम करे, कसरत करे, एक्सरसाइज करे, फिर वो थोड़ा नाश्ता भी कर ले, ठीक है। तो वजन की जिन लोगों को समस्या है वो लोग एक्सरसाइज भी करे और साथ में ये कच्चा नाश्ता करे, ठीक है। रात को एक ही टाइम पकाया खाना है, पूरे दिन में कच्चा खाना है, कैलोरी वाला खाना है। कैलोरी कहाँ मिलती है? देखिए, जो चीज मीठी है स्वाद में, जो चीज वजन में भारी है, कंदमूल है, अनाज है, कठोर है, ड्राई फ्रूट से, जो चीज में कार्बोहाइड्रेट से और जिसमें प्रोटीन है और जिसमें चर्बी है, ये सारे खुराक आपको वजन बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो वो थोड़ा ज्यादा खाया करें, आपका वजन अपने आप बढ़ेगा। चबा के खाइए, कसरत भी करिए, ठीक है, एक्टिव रहिए। आप कसरत नहीं करोगे और ज्यादा खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा और शरीर में कचरा बढ़ जाएगा, कचरा बढ़ेगा तो और बीमारी आएगी। तो हमको वजन के साथ बीमारी नहीं आने देनी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आप याद रखिए, बहुत सिंपल सी छोटी बातें है, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आगे प्रश्न है, ऊंघ नहीं आती, मानसिक तनाव रहे छे, ऊंघ माटे दवा लेवी पड़े छे पण आवती नथी, उसके लिए कुछ किए। ये भाई साहब बोल रहे नींद नहीं आ रही है, मानसिक टेंशन रहता है, ऊंघ माटे दवा लेते हैं नींद के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो उसका एक ही समाधान है, पहले तो मन का टेंशन कम करो। चिंता, एक कहावत है, चिंता चिता समान है, आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। तो टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन किसी को देना नहीं चाहिए। आपको जिस बात का टेंशन है उसके पीछे के कारण ढूंढ लो। कई बार हम बिन जरूरी टेंशन लेते हैं, जरूरत ही नहीं है फिर भी टेंशन लेते रहते हैं। टेंशन कई प्रकार के हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में मन मिल नहीं है तो भी टेंशन होता है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो टेंशन है, नौकरी में सेठ आपको हर रोज, आपका जो बॉस है वो हर रोज आपको डांटता रहता है तो भी टेंशन रहता है, आपका बिजनेस है, बिजनेस में आप सही तरह बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या तो जो पैसा माल दिया है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्रेडिट बढ़ रही है लोगों की और डेबिट ज्यादा बढ़ रहे हो तभी भी टेंशन बढ़ता है। शरीर में बीमारी के कारण से भी टेंशन होता है। तो टेंशन कौन से कारण से है वो आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा, तभी उसके पीछे आप कुछ कर पाओगे, या डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो दवाई देगा, नींद की गोली दे देगा, आपको गेंद डाल देगा, आप नींद में जो सो जाओगे वो तो वो नींद की गोलियां सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मेहरबानी करके नींद की गोलियां मत लीजिए, नींद अपने आप आनी चाहिए। शरीर के पास या तो शरीर को इतना काम कराओ, पूरे दिन में मजदूरी कराओ कि रात को वो पड़ते ही लेट जाए और नींद आ जाए गहरी। मजदूर लोगों इतनी मेहनत करते हैं, उनको सोने के लिए कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है, क्यों? पूरी दिन इतनी काम करते हैं कि शरीर थक जाता है और अपने आप नींद में आ जाता है, ठीक है। तो एक शारीरिक श्रम जरूरी है नींद के लिए, दूसरा मन में
टेंशन नहीं होना चाहिए, मानसिक टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन के पीछे जो भी कारण है वहां से बाहर निकल जाओ। आप लोड नहीं ले रखते हो, ऐसे काम मत करो। थोड़े पैसे में गुजरान चलाओ, ज्यादा पैसे के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। पड़ोसी की बड़ी गाड़ी देख के हमारी छोटी गाड़ी को बड़ी करने के लिए हम कोई भी धंधा करे, दौड़ा दौड़ करे, भागा दौड़ करे और टेंशन करके जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। लोगों को देख के मत जिए, लोग जो कर रहे हो कर रहे हैं अपने हिसाब से, हमको अपने हिसाब से करना है। संसार में रहते हो तो संसार के सामाजिक रीत रिवाजों में भी आपको खुल के बोलना पड़ेगा कि भी मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी सगवड़, मैं इतना ही व्यवहार करूंगा और इतना ही अवसर प्रसंग में खर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करने का। तो ये मानसिक चिंता छोड़िए, शरीर में रोग है तो रोग को बाहर निकालिए। रोग को बाहर निकालने लिए हमारे एनडीए से अच्छा कोई बढ़िया तरीका ही नहीं है। एक ही टाइम पकाया खाओ, बाकी कच्चा खाओ, बीमारी रहेगी नहीं। हरी पत्ती हर रोज खाइए, हरी पत्ती ताजी नहीं लाके जूस नहीं बना रखते हैं, तो हरी पत्तियों का पाउडर तैयार रेडीमेड हमारे पास मिलता है, उसकी गोलियां मिल जाती है। तैयार पाउडर पानी में डाल दो, मिक्स करो और पी लो 2 ग्लास हर रोज, 2 ग्लास, 1 ग्लास में 2 चम्मच डाल के पी लो। हाँ, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम का पत्ता, सारे पत्ते मिक्स करके रेडीमेड ग्रीन जूस बनाया है हमने, टेस्टी, खट्टा मीठा तीखा स्वाद के साथ। वो इस्तेमाल करो, हर हर रोज ताजे फ्रेश पत्ते नहीं ला सकते, जूस निकालने की झंझट बाजी है। तो ये सस्ता भी पड़ता है, आप मार्केट से तैयार ले आओ, इसे अच्छा सस्ता पड़ेगा। हाँ, हमने आपके लिए काफी तैयारी करके रखी है कि भी आपको पाउडर चाहिए पाउडर मिल जाएगा, आपको खून कम है तो आपके लिए फिनला मिल जाएगा, कैक्टस का फ्रूट का रस तैयार, हीमोग्लोबिन, एक बोतल खाली करो, 1 से लेकर 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये सारी तैयारी करके रखी है हमने लोगों के लिए। अच्छा, नींद के लिए हमने नींद की गोली भी बनाई हुई है, कैप्सूल है। हाँ, अलग अलग हर्बल से एक्सट्रैक्ट निकाल के वो बनाई है, लेकिन वो ऐसे दूसरी जैसी स्लीपिंग की पिल आती है ऐसी नहीं है क्योंकि आपने खा लिया और 15-20 मिनट में आपको नींद आ जाए, ऐसा नहीं है। ये नींद लाने के लिए नहीं है, आपके मगज को नेचुरल नींद आ जाए इसके लिए उसको एक्टिवेट करे, ऐसी प्रकार की ये हर्बल है। आज खाना चालू करोगे तो 4-6 दिन के बाद आपको नेचुरल नींद आएगी, कुदरती। तो हमारी प्रोडक्ट जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, बिना नुकसान वाली होते हैं और हर्बल होते हैं, तो वो भी हम उसके पीछे काम करते हैं और वो भी हम देते हैं। तो ये भी आप मंगवा सकते हो हमारे पास से, नींद की गोली नेचुरल तरीके से आपको नींद लाएगी और इसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। काफी जिन लोगों को बहुत समस्या थी उन लोगों को अच्छी नींद आ रही है। तो ये सारी, हर रोज योगा करो, प्राणायाम कीजिए, नींद क्यों नहीं आए। बेड में जाओ और दूसरी तीसरी या पांचवी मिनट में नींद ना आए तो कोई मतलब नहीं है। नींद भी हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हमारी पूरी इंद्रिया वो भी हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इसीलिए योग शास्त्र ने बोला है, इंद्रियों का राजा मन होना चाहिए और मन का राजा श्वास है। जिन लोगों को नींद की समस्या है वो लोग गहरी लंबी और ऊंडी श्वास लेने की प्रैक्टिस करे, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़े। ये बहुत बढ़िया तरीका है। जो लोग श्वास काबू कर सकते हैं वो सारी इंद्रियों काबू कर सकते हैं, और श्वास काबू करने वाला दुनिया का सारे काम कर सकता है। उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। तो श्वास काबू में करना सीख लो, योग शास्त्र यही छोटी बात बहुत बड़ा फायदा के लिए दिखा देता है। और ये कोई योगी आपको नहीं बताएगा, ये श्वास स्लो करना वही मेडिटेशन है। ध्यान, हम हर रोज पूरे दिन में कई बार बोलते हैं ध्यान, कहाँ बोलते हो पता। बच्चा साइकिल लेके निकलता है तो तुरंत माँ बोलती है, बेटा ध्यान रखना। तो क्या है, आप जो काम करते हो, चाहे साइकिल चलाने का हो या रोटी बनाने का हो या कुछ भी, जब भी कोई काम करते हो आपका श्वास हमेशा स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। ये कुदरत का एक सिग्नल है।
जिस टाइम आप कोई भी काम में ध्यान लगा के करते हो, तो वो काम करने के टाइम आपका ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो हो जाता है, पूरा बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। और जिस टाइम हमारे ब्रीदिंग का कंट्रोल नहीं होता है हमारा उसके ऊपर, और जब श्वासोश्वास बहुत फास्ट हो जाता है, तब व्यक्ति गुस्से में होता है, और गुस्से वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। किसी को मार सकता है, किसी को किसी के साथ गाली गलौज कर सकता है, किसी का खून कर सकता है। उस टाइम उसका श्वासोश्वास फास्ट चलता है। तो जब भी किसी का श्वासोश्वास फास्ट चलता हो, तब उसके साथ कभी जीवा जोड़ी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखो आप। हाँ, ये सिंपल सिम्टम्स है। तो आपको मन को कंट्रोल करने के लिए आपको श्वास को स्लो करना पड़ेगा। धीरे 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 श्वास भरो, धीरे 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 निकालो, यही मेडिटेशन है। इसका फायदा पूरी जीवन में बहुत मिलेगा आपको, ठीक है? तो उंग के लिए काफी रास्ते हैं। हमारी एनडीएस सिस्टम को फॉलो करो आप। सुबह में उपवास करो, एनिमा ले लो, दोपहर तक कुछ मत खाओ, दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ, रात को एक टाइम पकाया खाओ, चबा चबा के खाओ, और हरी पत्ते सबसे ज्यादा खाइए। क्यों? क्योंकि मगज में केमिकल लोचा होने से भी नींद नहीं आती है। तो यहाँ नींद नहीं आने के दूसरा भी वजह है कि केमिकल लोचा है। शरीर को नींद के लिए जो केमिकल्स पैदा करना है, वो केमिकल का रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपको सही नींद नहीं आ रही है। तो आप सच्चा न्यूट्रिशन वाला खोराक खाइए। तो पत्ती आप खाइए, जूस के रूप में, चटनी के रूप में ज्यादा खाइए। आपका केमिकल लोचे के हिसाब से नींद नहीं आ रही है, तो उसका फायदा मिल जाएगा, नींद आनी चालू हो जाएगी। अच्छा, आपको मन के कारण, कोई टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बोल दिया टेंशन के पीछे का कारण ढूंढ लो और उसमें से बाहर निकलो, नुकसान करके भी बाहर निकल जाओ, उसको पकड़ के मत रखो, छोड़ दो। हाँ, व्यक्ति को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। हाँ, कई बहने नहीं होती है, बरसों बीत गए होंगे जो घटना को वो हर रोज हर बार याद कराते हैं, उस टाइम ये किया था, ये किया था। अरे भूतकाल को भूल जाओ, कल क्या होने वाला है उसके लिए चिंता करो, कल क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसके बारे, भविष्य की बातें करो, भूतकाल को छोड़ दो। जो लोग भूतकाल को छोड़ देते हैं ना, वो अच्छा भविष्य बना सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए आप। आगे है, सर टीबी के रोग कौन सा उपयोगी प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलेगा, नेचुरल डाइट नहीं लेते हैं। अब टीबी हो चुका है और नेचुरल डाइट नहीं करे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको जीने में इंटरेस्ट नहीं है। अब जिस व्यक्ति को जीने में इंटरेस्ट ना हो, इसके पीछे माइंड भी नहीं चलाने का और इसके पीछे चिंता भी नहीं करनी चाहिए, चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप चल रहे हो, गड्ढा दिख रहा है, और फिर चलते ही रहो और गिर जाओ, तो इसमें क्या करें हम? कोई नहीं कर सकता। और किसी को भी, भले हो मेरा संबंधी हो, मेरा अपना क्यों क्यों ना हो, हाँ, मेरे घर के मेंबर मेरी नहीं सुनते हैं तो मरेंगे, मैं क्या करूं? उनको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जिसको सही होना है उसको बोलो कि भी ये करने से आपको फायदा मिलने वाला है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मरो। और ऐसे लोग के पीछे पैसे भी नहीं खर्च करने चाहिए और टेंशन भी नहीं लेने चाहिए। थोड़ा वो लोगों को उतना तो अपना शरीर संभालने के लिए अपनी तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है ना, दूसरे लोग की क्या करेंगे? आप पैसा खर्च कर सकते हो और उसको ये डाइट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। नहीं कर रहे तो फिर उसको बोल दो कि भाई आप जो खाना है वो ज्यादा ही खिलाएगी, हम एक बार चाय पीते हो तो 10 बार चाय पिलाइए, हाँ जल्दी खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। वो खुद हैरान होए, दूसरे को हैरान करता रहे। ए, मनुष्य ये कैसा प्राणी है, खुद तो हैरान होता ही है और घर के सारे मेंबर को खड़े पगे रखता है। ऐसे लोगों को उसके पीछे कोई अहोभाव या प्रेम भाव रखना ही नहीं चाहिए। जो अपने खुद को हैरान करता हो, वो दूसरे को कैसे शांति दे पाएगा?
तो टीबी के रोग में नेचुरल डाइट नहीं लेते हैं तो उसको फिर दवाई पी के ऊपर जीना पड़ेगा। तो उसके लिए है थोड़े इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है, थोड़े ऐसी है कि भाई आप उसको शहद खिलाइए, रसायन चूर्ण उसको दे दीजिए, हर रोज एक चम्मच च्यवनप्राश की तरह देते रहिए। हमारे पास हल्दी, तुलसी और अदरक, ये तीनों में से निकाली हुई एक्सट्रैक्ट की बोतल आती है, ड्रॉप आते हैं। टीबी मतलब कफ लंबा रहता है, शरीर में कफ प्रकृति लंबे साल रहता है तभी टीबी में कन्वर्ट होता है। तो इसकी कफ प्रकृति है, वायु प्रकृति भी हो सकती है थोड़ी। तो ये वायु और कफ प्रकृति को तुरंत कंट्रोल करने वाला ड्रॉप है हमारे पास, तुलसी हल्दी का और अदरक का ड्रॉप। आप उनको दो दो ड्रॉप 3 टाइम या 4 टाइम आधे ग्लास पानी में देना चालू करें, रसायन चूर्ण उसको चटवाइए, हिमालयन बेरी दे दीजिए, खून की कमी है तो उसको फिनला दे दीजिए। ये चार वस्तु अद्भुत है, और हरी पत्तियों का पाउडर भी उसको जूस में दवाई की तरफ, जो कई लोग ऐसे होते हैं मैं दवाई खाऊंगा कच्चा नहीं खाऊंगा, ऐसी बात करते हैं जैसे दवाई कच्चा जहर है और दवाई मीठी चीजें है, मिठाई की तरह उसको अच्छी लगती हो। कई लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं बोलने वाले, तो उन लोगों को दवाई खिलाते रहो, लेकिन वो लोग दवाई खा के कितना, दवाई वो आपको राहत करने के लिए है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। राहत करेगी तो ये दवाई को पूरी जिंदगी चालू रखनी पड़ेगी। हाँ आप एलोपैथी की दवाई खाओ, इससे अच्छा है नेचुरल हर्बल वाली चीजें खाइए, कुदरती दवाइयां खाइए, वो अच्छा रहेगा, आगे और नुकसान नहीं करेगा, ये फायदा है। लेकिन दवाई आपको रोग में से परमानेंट कभी नहीं बाहर निकाल सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके जो भी है टीबी पेशेंट, घर के फैमिली हो या जो भी हो, मित्र हो जो भी हो, उसको पहली बात ये बोल देने की भाई आपको आपका शरीर संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। हाँ, और संभालने के लिए ये प्रयोग करो, आप खुद ही अपने शरीर को ठीक करो। हम दवाई के पैसे दे सकते हैं, बीमारी हम निकाल नहीं सकते, दवाई आपको ही खानी पड़ेगी, बीमारी नहीं जाएगी तो हैरान आप ही रहोगे और आपके पीछे हम लोग नहीं जुड़ के रहेंगे, ये भी बोल देने का। अभी ये गूगल का जमाना है, किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ तो ये उसको याद दिलाओ, हाँ अपने घर के हेवा तो क्या हो गया, हाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ ऐसी इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हमारी फर्ज बनती है कि हम उनके साथ रहे, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा खाते रहे, कुछ करे नहीं, डेयरी प्रोडक्ट खाते रहे, चाय छोड़े नहीं, व्यसन करते रहे, बीड़ी पीते रहे, दारू पीते रहे और फिर हम उसके पीछे लगते रहे, हमारा काम धंधा और हमारा, हर एक को अपना काम है, हर एक व्यक्ति को जीवन दिया है, तो मोक्ष हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे खुद के लिए जीना जीने का टाइम नहीं मिल रहा है और ऐसे व्यसनी लोगों के पीछे जीवन जीना पड़ता है तो ये तो गलत बात है। फिर वो अपने माँ बाप भी हो तो भी क्या हो गया, हाँ ऐसे लोगों के पीछे मत इतना समय बिगाड़े, हाँ उसको बोल देने का भाई आप शरीर अपनी तरह से अच्छी तरह संभालो, और नहीं संभाल पाते हो तो खुद की बीमारी का दुख खुद को ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई भाग देने वाला नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो सपोर्ट वाली सी चीजें हैं वो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। ठीक है, आगे प्रश्न है, हेलो सर, आई एम मयूरी एंड आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम ऑफ 10 मंथ ओल्ड बेबी, मे आई फॉलो योर डाइट इंस्ट्रक्शंस। तो बहन पूछ रही है कि मुझे 10 महीने का बच्चा है और मैं उसको मेरा दूध पिलाती हूँ, तो क्या मुझे आपका एनडीएस डाइट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, आपको तो
अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अच्छा खाओगे तो आपका दूध अच्छा बनेगा, क्वालिटी अच्छी बनेगी, तो वो अच्छा क्वालिटी वाला दूध आपके बच्चे में जाएगा, तो आपके बच्चा भविष्य में बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा हेल्दी बनेगा। तो हम तो प्रेग्नेंट बहने को और दूध पिलाने वाली माता को भी बोलते हैं कि भाई आप हेल्दी डाइट कीजिए, रिफाइंड चीजें मत खाइए, पकाया तीनों टाइम मत खाइए, कच्चे खाइए, इसमें ताकत वाला खाइए, डेयरी प्रोडक्ट कम खाइए और वेजिटेबल्स के दूध बना के पिए, आपके बच्चे को नहीं वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं बीमारी आएगी, कुछ नहीं होगा। जैसा खुराक जैसा बोओगे वैसा पाओगे, खेत में जो उगाएंगे हम बबूल पे उगाएंगे तो कांटे ही मिलने वाले, और आम को लगाए तो आम मिलेगा। सीधा सा नियम है कुदरत का, आप जैसा खाओगे वैसा आपके बच्चे के लिए दूध पैदा होगा, तो आपको फॉलो करना है। सिर्फ यह एक बात का ध्यान रखना है, आपको सुबह से दोपहर का जो फास्टिंग करना है वो आपको नहीं करना है। क्यों? आप बीमार नहीं हो, आप बीमार नहीं हो तो आपको तीनों टाइम खाना है, लेकिन एक टाइम पकाया खाना है, बाकी दोनों टाइम कच्चा खाना है, इसमें ताकत वाला दूध बना है, ऐसी चीजें भी खानी है, पत्ती सब्जी फ्रूट सलाद अनाज कठोर ड्राई फ्रूट सब कुछ खाना है, लेकिन उसको बिगाड़ के नहीं खाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है और बढ़िया रहेगा। आप फॉलो करोगे तो आपके बच्चे का देखिए कि आपका जो दूध बनेगा वो इतना अमृत समान होगा, बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। और आप पिज्जा खाओगे, पानी पूरी खाओगे और पैकेज फूड खाओगे, रेडीमेड फूड खाओगे, तो आपका दूध वैसा ही क्वालिटी का होगा, बच्चा भी बीमार पड़ता रहेगा बार बार। बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। हमारे बच्चे होते हैं तो उसका जीवन बिगाड़ने का हमको कोई अधिकार नहीं है, उसके पीछे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जैसा खाएंगे वैसा ही दूध पैदा होगा। तो आप बच्चे की माँ हो, आप दूध पिला रही हो, तो आपको तो बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रयोग करना चाहिए, और इससे आपके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल डाइट करने से फायदा ही है, सिर्फ आपको उपवास नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, कच्चे में ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। ओके, आगे एक प्रश्न है, जय श्री कृष्ण साहेब, पहला स्टेज नो कैंसर हुआ तो शू ट्रीटमेंट था, उम्र 20 वर्ष से मारा भतीजा ने, सलाह आपसो। अब देखिए, 20 साल की उम्र में कैंसर, जिसको 100 साल जीने का बाकी है उसको अभी अभी पांचवें भाग की भी लाइफ पूरी नहीं हुई है, अभी तो जुआनी आई है और कैंसर आ गया है। भैया कौन से कारण से कैंसर आया है? तमाकू खाते थे, व्यसन करते थे, क्या हुआ? अच्छा, तमाकू और व्यसन करते थे और कैंसर आया है, तो फिर वो उसकी करे कर्म आ रहे हैं, और ऐसा कोई व्यसन नहीं है और कैंसर आया है, तो फिर ये पूरी दुनिया जो कर रही है, जब फसल को दवाई खिला रही है तो वही दवाई वाली फसल हम खाते हैं, तो हमारी शरीर भी दवाई खाएगी, कैंसर आएगा। अगले 10 साल में इस दुनिया की 25% पब्लिक, 25% पब्लिक कैंसर से मरने वाली है, ये आप लिख के रखना। तो आप लोगों को अगले 10 साल में ये 100 में से 25 में नंबर न आ जाए, इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो फर्स्ट स्टेज का नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर भी एनडीएस से ठीक हुआ है, तो फर्स्ट के लिए तो आप टेंशन मत लो, लेकिन उसको प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप गुजरात में हो, अहमदाबाद के आसपास नजदीक हो, तो एक बार हमारे यहाँ रूबरू आ जाइए, तो पूरा उसको फॉलो कैसे करना है, हमारे शाहीबाग सेंटर अहमदाबाद में हर रोज 4 से 6 बजे का 2 घंटे का सेमिनार हर रोज फ्री होता है, मंडे टू सैटरडे, रविवार के दिन छुट्टी होती है, सोम से शनि हर रोज 2 घंटे का सेमिनार फ्री रखते हैं, और मैं खुद गांधीनगर से अहमदाबाद ये सेमिनार लेने जाता हूँ, तो हर रोज लोग आते हैं, आप कभी भी आ सकते हो। तो
ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, चिंता मत कीजिए। आप दवाई में जाओगे और खुराक नहीं बदलोगे तो जोखम बढ़ेगा, तो जोखम बढ़ेगा। हाँ, आप दवाई कराओ लेकिन डाइट तो बदल ही दो। डाइट नहीं बदलोगे तो दवाई अकेली काम नहीं आएगी, वो दोबारा जोखम खड़ा करेगी। जिस कारण से समस्या पैदा हुई है वही कारण को निकालोगे नहीं तो वो वापिस आएगी। ठीक है, तो पहले स्टेज का कैंसर है, उसको कैंसर होने के दो वजह है। एक, शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, दूसरा, शरीर की बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहनी चाहिए, इसकी जगह एसिडिक बन जाती है, तभी कैंसर होता है। और कैंसर के पीछे पेस्टिसाइड ज्यादातर जिम्मेदार होती है, या तो तंबाकू या चाय की और कॉफी का जो जहर है वो शरीर में लंबे समय रुकता है, तभी ये होता है। तो शरीर को डिटॉक्स करना है, आपको हिमालयन बेरी जैसे जो लिक्विड है वो तो शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, वो भी लेना है, साथ में फिनला भी लेना है। हरी पत्ती का 50% खुराक आपको कर लेना है, जितना टोटल फीडिंग करते हो खाते हो पूरे दिन में, उसमें से आधा आपको हरी पत्ती वाला कर लेना है। शरीर को काम भी कराना है, योग कराना है, एक्सरसाइज कराना है, और जैसे जैसे शरीर काम करता जाएगा वो बॉडी पाचन भी करेगा, खुराक भी मांगेगा। आपके शरीर में अशक्ति ना आए उसका भी आपको ध्यान रखना है, कैंसर वाले को। ठीक है, तो कैंसर के लिए ये थोड़ी जो काम की चीजें हैं वो आप हमारे पास दूर रहते हो तो मंगवा सकते हो। ठीक है, और पर्सनली 2:30 से 4 के बीच में फोन करके कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है वो आपको एक बार हमको पूछ के समझ लेना है। हाँ, तो हमारे साथ फोन पे बात करने के लिए 2:30 से 4 का टाइम है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम जवाब दे देते हैं। तो आपको जो जो चीज की जरूरत है वो हमारे पास मंगवा सकते हो और कैंसर में से बाहर आराम से आ सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल डाइट सब बीमारी में हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि भी खाली डायबिटीज या बीपी या मोटापा को ही कम करता है, कैंसर तक की बीमारी ठीक कर सकता है। वर्ल्ड वेगन विजन में ये लोग कह रहे हैं कि आपको एक गाय या भैंस को पालने के लिए जितनी अनाज, जितनी पानी और जितनी इफोर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसके हिसाब से मनुष्य के लिए काफी कम जरूरत पड़ती है। तो जितना हम अनाज पैदा करते हैं इसमें से ज्यादातर ये दूध प्रोडक्शन के पीछे खर्च हो जाता है। तो ये बहुत इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत बड़ा नुकसान वाला चीज है। तो ये वेगन बनो, डेयरी को छोड़ो, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये खास क्योंकि आप जो भी कर रहे हो सारे उसके लिए चल रहा है, हमको फायदा है उसके सामने कि भी गोबर मिल रहा है, लेकिन गोबर में से जितना आप खाद बनाते हो इससे ज्यादा आप खेत में जो भी उगा रहे हो उसका जो एग्रो वेस्ट बनता है उसमें से ज्यादा खाद बना सकते हो। सिर्फ गाय का या भैंस का गोबर ही आपको खाद बना के देगा ऐसा नहीं है। हाँ, उसके काफी दूसरे तरीके हैं और सस्ते हैं। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट जितने लोग कम करेंगे उतने इस देश में से, दुनिया में से बीमारियां कम होगी। हाँ, प्राणी पदार्थ शाकाहारी प्राणी कभी अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये खास आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग, आपके शरीर को कैसे कब क्या खुराक देना है वो सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए एक बार। तो पूरा ये आप छोटा सा ये मैसेज भी आप अपने कहीं भी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा सकते हो बिना एक्स्ट्रा खर्चे से, और लोगों का जीवन में अच्छा हेल्थ के लिए आप कुछ इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। तो ये योगाहार का हमारा यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर योगाहार को समझने के लिए पूरे 12 वीडियो की एक सीरीज है जो पूरा कोर्स है, वो आप एक बार देख लीजिए, ऐसा मैं हर नए व्यक्ति को रिक्वेस्ट करता हूँ। आप ये पूरे 12 वीडियो देख लोगे तो आपको हमको पूछने का बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो कोर्स पूरा करने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे ये हमारी दूसरी
फूड विथ लाइफ की रेसिपी की एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देखते रहिए, वो भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो आपको इसमें अलग अलग अच्छी चीजें खाने लायक हम रेसिपी के तौर पे रखते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। आप उसमें देख के अच्छी चीजें बना के मजा करके खा सकते हो, आनंद पूर्वक जीना जी सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।